लगातार बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह सोमवार को रात को आया मणिपुर में और तब से मंगलवार रात तक लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। चूड़ाचंद्रपुर में वो गए और मोरेकांग पोखरी में वो जाने वाले हैं। सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबके साथ वो बात कर रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स जो गए थे अमित शाह से मिलने, कुछ उनमें से कुछ लोग न्यूज 18 को ये बताया है कि नंबर एक अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में सबको एक साथ रहना है, इंटीग्रिटी करके सबको यूनाइटेडली रहना है। नंबर दो, जिन लोगों के साथ ठीक नहीं हुआ है कुछ कुछ केसेस में जुडिशियली इंक्वायरी किया जा सकता है, कुछ कुछ केस सीबीआई भी किया जा सकता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स का मानना है जो लोग शाह को मिले। ये भी कहा शाह ने कि ऐसा नहीं है शाह यहाँ पे आएंगे, दो दिन रहा, बैठक किया, चला गया, बट वो फिर आएंगे जून महीने में, फिर आ सकते हैं जुलाई महीने में, बार बार वो आएंगे और मणिपुर उनके नजर में रहेगा, बार बार वो यहाँ पे तफ्तीश करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारतीय सेना वाहिनी को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहीं पर रोका नहीं जा सकता है। ऐसा कुछ कुछ एलिगेशन आ रहे थे कि कुछ कुछ जगह पे उनको रोका जा रहा था, वो नहीं हो सकता है। मणिपुर का एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, मणिपुर के लोग शांत प्रिय है और इसलिए उन लोगों को ये समझना चाहिए कि सबको एक साथ रहना चाहिए। तो सारे स्टेक होल्डर्स जो अमित शाह से मिले सारे अमूमन सारे खुश थे और ये उम्मीद लाता है कि मणिपुर में शांति आएगी। साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी जरूरत है सेंटर वो देगा और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बारीकी के साथ बात किया है, सबका किसका क्या प्रॉब्लम है उन्होंने वो बारीकी के साथ सुना। और ये भी कहा जैसे महिलाओं से मिले, सिविल सोसाइटी से मिले और पॉलिटिशियन से मिले, अपने एमएलए से मिले, सबको एक चीज कहा है कि कोई आर्म्स, इल्लीगल आर्म्स जो रखेगा उसको रेड किया जाएगा, तुरंत रेड किया जाएगा और उसके ऊपर सख्ती बरता जाएगा। तो एक उम्मीद है कि ये राजभवन से जो बार बार बैठक का दौर जारी है, बैठक वो कर रहे हैं, उसको उसमें मणिपुर में शांति आएगी क्योंकि मणिपुर की जरूरत अभी शांति है।